भरत कुंड भाई के त्याग, भाई के प्रेम और भाई के बलिदान की कहानी दर्शाता है। वैसे आज के हम दौर की बात करें तो भाई भाई कब जानी दुश्मन बन जाए इसका पता ही नहीं चलता है। लेकिन एक कहावत कहा गया है कि भाई हो तो भरत जैसा, क्योंकि भरत ने वो त्याग किया है। राजा बनने के बावजूद भी भरत इसी भरत कुंड में 14 साल तक जमीन पे सोए। राजपाठ तो था लेकिन सिर्फ वह एक पहरेदार के तौर पे, अयोध्या की प्रजा की रक्षा तो किए लेकिन कभी राजा का सुख नहीं लिए, क्योंकि उनके मन में हमेशा ये तड़प थी, ये कशिश थी अपने बड़े भाई के लिए कि मेरा भाई जंगलों में नंगे पांव चल रहा होगा, किस स्थिति में होगा। और उसके बाद यही बात उनके मन में घर कर जाती थी और इसी कारण से लगातार 14 साल तक भरत भैया जो है भरत कुंड पे रहे। और ये वही भरत कुंड है जहाँ से भरत भैया का जो 14 साल का वनवास तो प्रभु श्री राम का था, लेकिन उस वनवास से कम का वनवास भरत का भी नहीं था, क्योंकि भरत लगातार 14 साल तक इसी भरत कुंड में जो है प्रभु श्री राम का इंतजार किए कि मेरे राम मेरे भ्राता जब अयोध्या आएंगे तभी मैं जो है महलों में जाऊंगा। यह विचार था भरत का। और भाई के प्रति प्रेम सीखना है, भाई के प्रति त्याग सीखना है, बलिदान सीखना है तो भरत जैसा भाई बनना पड़ेगा। वैसे आज का दौर तो ऐसा है भाई सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, न जाने क्यों छोटी छोटी बात बंटवारे की स्थिति भाई भाई में इतना कलह पैदा कर देती है कि भाई भाई का जान लेने पर आतुर होता है। यह दृश्य देखिए और यह दिव्य दृश्य देखिए, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक कहानी कह रहा है। श्री राम 14 वर्ष वनवास लौटने के बाद श्री राम भरत मिलाप मंदिर नंदीगाम भरत कुंड अयोध्या। ये वही मंदिर है जब भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटने के बाद अपने भ्राता छोटे भ्राता भरत से मिले और भरत मिलाप हुआ। हमारे साथ पिंकी जी हैं, इस मंदिर की जो है देख रेख करती हैं। स्वागत है आपका जी। जय श्री राम। क्या कहानी है यह इस मंदिर की? जी ये मंदिर श्री राम भरत मिलाप मंदिर है। जब प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष वनवास से राक्षसों का संहार करके आए थे और फिर यही मिले थे। अच्छा। ये बहुत प्राचीन मंदिर है। ये कुंड है जिसमें भरत जी ने 14 साल स्नान किया था। 14 साल तक स्नान किया था। ये भरत जी की तपस्थली है, ये भरत जी की नगरी है। इतनी पावन नगरी है ये कि इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता है जी। हम तो मनुष्य है, इसका कोई भी वर्णन नहीं कर सकता है। और ये श्री राम जी भरत जी यही आके मिले थे। जब 14 वर्ष वनवास से आने के बाद श्री राम जी भरत जी यही उनका मिलन हुआ था। ये बताया जाता है कि भरत जी जो है 14 साल तक राजा तो थे लेकिन राजपाट का कभी सुख नहीं लिया और खड़ायु रख के जो है जिस तरह से प्रभु श्री राम वनवासी की स्थिति में थे उसी तरीके से वो भी जीवन जीते थे। जी 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 बिल्कुल। जैसे प्रभु श्री राम जी कुशन के आसन पे सोते थे वैसे प्रभु श्री भरत जी नीचे जमीन में गड्ढा बना के कि जब प्रभु मेरे श्री राम जी ऊपर रहेंगे धरती पे रहेंगे तो गड्ढा बना के जमीन में खुदाई करके और उसके नीचे रहते थे, कुशन के आसन पे सोते थे और फल ही सेवन करते थे। यहीं से राजपाट अयोध्या का चलाते थे। कभी अयोध्या नहीं गए, कभी नगर में, कभी गांव में कहीं घुसे। अच्छा, नहीं कभी अयोध्या नहीं गए, नहीं गए। यानी कि भरत जी को राजा तो बनाया गया लेकिन जब उनके मन में ये था कि मेरा बड़ा भाई कितना कष्ट पीड़ादायक जीवन जी रहा है तो वो राजा तो थे लेकिन हमेशा पहरेदार के तौर पे जो है अयोध्या की रक्षा की। अयोध्या की रक्षा करते थे, यहीं से राजकाज चलाते थे। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर दिया था प्रभु श्री राम के चरण पादुका को अपना राजा मानकर और उसी चरण पादुका की सेवा करते हुए अयोध्या का राज चलाते थे। नंदीग्राम और यह मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरण पादुका जहां भरत भैया लगातार 14 साल इसी भरत कुंड नंदीग्राम में चरण पादुका रखकर इंतजार किए। हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी ये वही चरण पादुका है? हाँ, राम जी की पादुका है। राम जी की पादुका सामने भरत जी हैं। हाँ। इस तरफ हनुमान जी हैं। हाँ। क्योंकि हनुमान जी धनुष बाण यहाँ धारण किए हैं। अच्छा, हनुमान जी धनुष बाण यहाँ धारण किए थे क्योंकि भरत जी ने यहीं से बाण मारा था जब संजीवनी बूटी लेने। अच्छा, जब लक्ष्मण जी को जो है शक्ति बाण लगा था और जब वो मूर्छित हो गए थे तो संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी आए थे तो अयोध्या के क्षेत्रों में
से निकल रहे थे हाँ। तो भरत जी को लगा कि कोई हमला होने वाला है हाँ। तो उन्होंने जो है बाण मार दिया था उनको। अच्छा, उसके बाद हनुमान जी धराशायी हो गए थे सर। हम साहब तो उन्होंने हनुमान जी से बताया लक्ष्मण जी को मूर्छित हो गए हैं, सुबह होते ही प्राण जाग देंगे, इसलिए मैं कैसे जाऊँ, आप हमको गिरा दिए। उन्होंने कहा हमारे बाल पर आप चल जाइए, तुरंत मैं चल हम सहायक सहेल समेता प्रथम जहाँ कृपा नहीं होता। अच्छा, सुनत वचन बिसरे सब दूर। अच्छा, फिर जो हनुमान जी निकल गए। निकल गए। अच्छा, तो भरत जी का भी हनुमान जी का भी मिलन यही हुआ था, और भगवान राम जब 14 साल बाद वनवास से आए थे भरत मिलाप भी यही हुआ था। ये भगवान राम की चरण पादुका देखिए, इधर प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरण पादुका, और यह स्थान जो है आप देखेंगे ये हनुमान जी का स्थान, और इधर आप देखेंगे तो भरत भैया का स्थान, और भरत कुंड और नंदी ग्राम नाम क्यों पड़ा ये हम महाराज जी से जान लेते हैं। महाराज जी, नंदी ग्राम नाम क्यों पड़ा? वशिष्ठ जी की गौ जो थी उसका नाम था नंदिनी। अच्छा, नंदिनी का निवास नंदीग्राम में पड़ा। भरत जी पादुका लेके आए, लेकिन वहाँ राजमहल में बैठ के तपस्या कर नहीं पाते थे, एकांत जगह भोजन भजन शयन एकांत की चाहिए, इसलिए नंदीग्राम ने उन्हें निवास किया 14 वर्ष। नंदीग्राम में ही 14 साल तक भरत जी जो है रहे। राजा तो बन गए थे, राजाभिषेक भी हुआ था, लेकिन एक पहरेदार के तौर पे जो है उस महलों में नहीं गए, यहीं से 14 साल जो है यहीं रहे, इसी हवन कुंड में स्नान भी करते थे। तो ये दिव्य कहानी प्रभु श्री राम की है, और एक भाई के प्रति त्याग की है, और एक भक्त के प्रति विश्वास की है, जो हनुमान जी जिन्हें भगवान राम का भक्त कहा जाता है, और भगवान राम के एक ऐसे भक्त जिनको भगवान के रूप में पूजा जाता है, और कलयुग में कहा जाता है कि हनुमान जी ही एक ऐसे देवता है जो तुरंत दुखों का जो है नाश करते हैं। तो हम इस वक्त जो है नंदी ग्राम में है भरत कुंड, और इधर प्रभु श्री राम की चरण पादुका, इधर हनुमान जी का मंदिर, और इधर भरत भैया का मूर्ति, यह दिव्य। और आप सबको यह हम जहाँ अभी जमीन से लगभग 10 फीट नीचे हैं, और ये बहुत दिव्य स्थान है, बहुत पुराना दिव्य मंदिर है, और इसका वर्णन शास्त्रों में भी है।